मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट विस्फोट होने की खबर सामने आई है। शहर के रहटा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। घटना का पता चलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। हादसे के चलते कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। शहर में बनी इस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से उसके नजदीक के 50 से अधिक घरों में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में विस्फोट इतना भीषण था कि आवाज सुनते ही लोग वहां से भागते नजर आए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, वहीं कुछ की मौत भी हुई है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे का पता चलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है। वहीं देवास कलेक्टर शिव गुप्ता ने बताया कि हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। देवास जिले से 6 डॉक्टरों की टीम रवाना की गई है। वहीं हमारे निकटतम नगर पालिका से फायर ब्रिगेड भेजी जा रही है। वहीं खातीगांव अस्पताल को अलर्ट किया गया है कि जो भी घायल वहां आए उनका तुरंत इलाज किया जाए। वहीं देवास सहित हमारे जिले में लोकल फटाका फैक्ट्री है, उनको भी चेक किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, आज हरदा जिले में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है। उस तारतम्य में देवास जिले से 6 डॉक्टर्स की टीम देवास जिला चिकित्सालय से रवाना हुई है हरदा के लिए। इसके अलावा 10 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। साथ ही आग पे काबू पाने के लिए जितने भी हमारे निकटतम नगर पालिकाएं थी, जैसे कि हमारा निमावर, फातेगांव, कन्नौज, सतवास, वहाँ सबसे फायर ब्रिगेड्स भेजी जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोकल पानी के टैंकर्स भी देवास जिले से भेजे गए हैं। इसके अलावा खातेगांव अस्पताल को ताकीद किया गया है कि यदि कोई पेशेंट्स हरदा जिले से खातेगांव में आते हैं तो उनका भी तत्काल इलाज किया जाए। SDRF की टीम को भी अलर्ट मोड में रखा हुआ है, और साथ में जो हमारे यहाँ पर लोकल पटाखा फैक्ट्रीज हैं उनके खिलाफ भी हम देख रहे हैं कहीं उनके द्वारा कोई अनियमितता तो बरती नहीं जा रही। हालांकि जो सालाना चेक होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, बट एक विशेष चेक भी देवास जिले में चलाए जाएंगे कि हमारे पटाखा गोदाम भी सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी जो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 59 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। सर, अभी दमकल का विभाग का कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ बुलाई गई हैं? सारी नगर पालिकाओं की हमने दमकल की गाड़ियाँ बुलाई हैं, साथ ही आसपास के जिलों भोपाल और इंदौर से भी हमने डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स की मांग की है, और वो भी जल्दी हमें उपलब्ध हो जाएगी। सर, शासन द्वारा कोई आदेश जारी हुए हैं? राहत कार्यों की समीक्षा के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से एक राहत समिति बनाई जा रही है। सर, CM का कोई आदेश? CM साहब ने यही बोला है कि जिला प्रशासन मुस्तैदी से जितने भी जो भी राहत कार्य है उसको तत्काल करें और लोगों को राहत पहुँचाएँ। सर, इसके अलावा अभी और कोई कार्रवाई हुई व्यवसाय? इस पर हम पूरी जाँच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।